अच्छा जी, हम इस वक्त है ना मलीर में, हम आपसे वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो लोग गलत चीजें इस्तेमाल करते हैं उससे प्रॉब्लम हो जाती है। उनके जहन में ये होता है कि इससे फायदा होगा, नेचुरली वो सुनते हुए एक चीज आ रहे होते हैं रेगुलर कि ये चीज करेंगे तो इससे फायदा हो जाएगा। लेकिन अब जैसे हम क्लाइमेट में हैं और जिस जगह है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। यह आपका नाम क्या है? हरीशा। ये आपकी बेटी है माशाल्लाह से, पहली बेटी माशाल्लाह से। अब अरीशा की माशाल्लाह बहुत प्यारी सी, देखिए हंसमुख सी। अब अरीशा ने क्या किया कि इनहेरिटेंस चला आ रहा है कि बच्चे की मालिश होती है टकड़क टकड़क टकड़क। अच्छा, अब हमें क्लाइमेट नहीं मालूम है, हम किस क्लाइमेट में, हम ह्यूमिड क्लाइमेट में, हमारे पास कराची में ह्यूमिडिटी है। अच्छा, बच्चा जो होता है ना उसका मेटाबॉलिज्म बड़ों से ज़्यादा होता है, वो ग्रो अप कर रहा होता है, इन्फेंट का तो और ज़्यादा होता है, स्वेट भी कर रहा होता है वो। ये तो शुक्र करें ये फरवरी में हुई है, 9 मंथ्स इसको ये थे और आप लगा रही थी जैतून के तेल की मालिश कर रही थी। अब ये अपने बेचारी पहली बेबी थी, चाह रही थी जल्दी से बड़ी हो माशाल्लाह से, और 16-17 साल की हो भागने शुरू हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उससे इनको इन्फेक्शन और री इन्फेक्शन होता चला जा रहा है। अच्छा, डायग्नोस करना इसलिए मुश्किल होता है कि हमें पता नहीं चल पाता। छोटा बच्चा होता है, इरिटेट रोएगा, हाथ से खुजाएगा तो नहीं, ना बोलेगा वो, तो उसकी जो अपीयरेंस है ना उससे हमें पता चला कि ये कोई चीज़ कांटेक्ट में इनके आ रही है। और कांटेक्ट में बच्चा ना शू पहनेगा ना कोई ऐसी चीज़ है, वो कोई ऐसी चीज़ होगी जो मदर गलत लग रही होगी बॉडी को। अच्छा, बोरिंग का पानी तो नहीं है, खारा पानी तो नहीं है आपके यहाँ? अच्छा, खारा पानी भी है। पहले तो जैतून की मसाज हुआ, ये फिर हार्ड वाटर से नहाती है। हार्ड वाटर से उसमें नमकियात होता है, नमक होता है, ठीक है, बोरिंग का पानी मोस्टली, तो उससे भी ये रिएक्शन बढ़ जाता है। एनीवे मैं अब इनको इनको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अगर हम इस चीज़ से अवॉइड करेंगे ना तो ये खुद ब खुद सही हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, तो हमें अवॉइड करना है इन चीज़ों को, और कोई चीज़ तो नहीं अप्लाई कर रही है, और दैट्स बस इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। हमें ध्यान ये रखना है कि बच्चे पे एकदम, हमारे पुराने लोगों का एक सिलसिला है कि बस मसाज शुरू करो, मोस्टली मसाज से ठीक है, मोबिलाइज एक तरीका है, लेकिन अब वो सब पुरानी चीज़ें हो गई हैं। सबसे पहले पीडियाट्रिशियन को दिखाएं कि इट्स इम्पॉर्टेंट और किस क्लाइमेट में, अगर उस क्लाइमेट की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नेचुरली उन विंटर एरियाज में ये मसाजिंग और ये वो चीज़ें उन विंटर एरियाज में जहाँ स्नोफॉल होती है, कैनेडा अमेरिका यूरोप, वहाँ पे स्नोफॉल में ड्राइनेस बहुत होती है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों के लिए अगर ड्राइनेस ज़्यादा है तो खोपरे का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैतून का या लोग सरसों के तेल की मालिश शुरू कर देते हैं, उसमें डर्मेटाइटिस हो जाता है, बाकायदा इन्फेक्शन हो जाता है, फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है बेटा, डोंट वरी, हमने इसलिए कि लोग ना करें, ठीक है, थैंक यू।